हमारे सर कैसे हो? जय राजपूत कैसे हो? हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम हैं दमन में और मेंटोरशिप के लिए एक छोटा सा हमारा मीटअप हुआ है आज। और जो भी स्टूडेंट हमारी मेंटोरशिप में है वो पर्सनली हमारे सर को मिलने के लिए यहाँ आए हैं। तो एक छोटा सा हमने जो मीटअप रखा है उसका हम आप अभी देखेंगे नेक्स्ट में। तो ये सारे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जय सर को मिलने के लिए आए हैं स्पेशली। और ये हमारे श्री गुरु जय सर। तो अब ये जो स्टूडेंट है ये अपना रिव्यू शेयर करना चाहते हैं कि बताना चाहते हैं कि इनको यहाँ आके कैसा लगा, मेंटरशिप को लेके इनके क्या रिव्यूज़ है। तो वो स्टूडेंट है कुछ बोलना चाहते हैं तो हम फैमिली से शुरू करेंगे। और इन्होंने स्पेशली सर के लिए कुछ लिखा भी था तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसको बोलिए और जो भी आपका रिव्यू है वो आप दीजिए। हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। एक्चुअली यहाँ पे दामन में जो मीटअप रखे थे आने के बाद तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा। स्टिल आई एम एंजॉयिंग। और हाँ, क्योंकि जैसे इतने महान है तो उनके लिए मैंने कुछ तो लिखा है लाइन मेरे जो हॉबीज है उसमें, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। जय सर, आपका क्या कहना, चाहते हमेशा आपके दिल में रहना। आप बहुत खास हो तभी तो हमारे इतने पास हो। आपकी वो स्माइल हाय, वो बोलने का स्टाइल है सबसे जुदा, जिसे देखकर हम हो गए फिदा। जिसमें हमें दिखता है खुदा। जय सर, आपका क्या कहना, आप तो खुद में लाजवाब हो। अभी ये तो शुरुआत है, रुको ज़रा, और भी कुछ खास है। आपका दिल है सोना, कभी नहीं चाहेंगे इसे खोना। बस कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो यूं ना हमें अकेला छोड़ना। जय सर, आप से क्या सवाल हो, आप ही तो सारे सवालों का जवाब हो। आप तो दोगे हमेशा हमारा साथ, इसमें ना कोई शक शुबा की है बात। मी माई स्टूडेंट्स एंड दिस टीम विल विन, ऐसे ही कहते हो ना आप हर एक रात और दिन। जय सर, आपका क्या कहना, हम तो चाहते बस आपके दिल में रहना। अभी सेल के रिगार्डिंग, जब आएगा हमारे गुरु का मेंटरशिप मेल तब शुरू होगा हमारा सेल पर सेल। दिस मतलब आपका जो मेल आता ना मेंटरशिप का, तो वो देख के हम सेल जनरेट करेंगे। फिर मेहनत से बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, सक्सेस तो आपके साथ होकर दिखाएंगे। जब तक है आपका साथ फेलर होने का ना है कोई चांस, और दिन सफलता बोलेगी कम ऑन गाइज द फ्लोर इज योर्स, कम एंड प्लीज हैव सम डांस। अभी टीम सपोर्ट के बारे में बोलना चाहूँगी। भाविन सर, आशीष सर, अनिरु सर, ध्रुव डेविड और दिलीप, युवराज और सलमान सर, जय सर एंड हिज टीम आर वेरी ग्रेट एज दे आर वेरी ब्रेव। कुछ भी हो प्रॉब्लम या हो कोई डाउट, दीज आर द पर्सन्स हुई क्विकली सॉर्ट आउट। और एक चीज़ लास्ट, किसी चीज़ या सफलता का अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है, और अगर वो ना मिले तो समझ जाना जर्नी अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच। मैंने सोची नहीं थी कि यहाँ पे आने का मौका मिलेगा, बट मैं उनका YouTube पे देखती थी वीडियो, मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन बहुत मुझे मोटिवेशन मिला और यहाँ पे आके और ज़्यादा मोटिवेट हो गई हूँ। तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी
ताकि अच्छे से रिजल्ट आए और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है मुझे। जय सरती को, थैंक यू। मेरा नाम अभिनय सिंह है और मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं जय सर के मेंटरशिप में ज्वाइन किया हूँ और लगभग 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने में मैंने अच्छा खासा अर्निंग किया है और मैंने समझ लो कि ऑर्गेनिक से $500 जैसा अर्न किया है और मैंने क्या बोलते हैं गूगल ऐड से मैंने अच्छा अर्निंग पिछले महीने में लगभग जो है $2,500 जैसा किया है और बहुत अच्छे आदमी हैं जय सर और मैंने पर्सनली उनसे आज मिला हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि सर से मिलना, समझ लो भगवान जैसे हैं। उनका बिहेवियर ऐसा है कि कोई भी मेरे पास शब्द नहीं है कि उनके बारे में बोलूं क्योंकि मैं छोटा आदमी हूं। उनके जैसा दिल रखने वाला आदमी एफिलिएट मार्केटिंग में कोई नहीं है। मैंने बहुत सारे कोर्स बाय किए थे, बहुत मैंने स्टडी किया, सबका क्या बोलें कि कचरा ही निकलता है कोर्स बाद में, पूरा समय भी जाता है पैसा भी जाता है, लेकिन सर ने जो सिखाया है वैसा टारगेटिंग किसी ने नहीं सिखाया है। जैसे समझ लो कि अर्जुन थे, उन्होंने मछली पे निशाना ना लगा के उसकी आँख में निशाना लगाए, वैसा उन्होंने हम सबको सिखाया है और हम सब बहुत प्रसन्न हैं कि हमको ऐसे टीचर मिले, ऐसे गुरु मिले जिससे हम आगे बढ़ सके। और उनका जो मोटिवेशन है कि हम भारत को लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने सब कुछ किया है। तो हम उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं और उनका चरण स्पर्श करते हैं। तो मेरा नाम विकास है, मैं एक आईटी का बंदा हूँ और मैं पिछले 7-8 साल से जॉब कर रहा हूँ और इन बिटवीन मैंने बहुत सारे कोर्सेज बाय किए, वो एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी लास्ट 6 मंथ से मैं सर के कोर्स बाय किए हुए और उस पर काम भी कर रहा हूँ एंड आज 31 दिसंबर 2020 लास्ट डे है तो मैं सर से भी मिला अभी उनसे पर्सनली। बट लोगों का कंसर्न क्या होता है कि सब लोग कोर्स बाई करते हैं बट उस पर कोर्स बाई करने का मतलब नहीं होता, वो अच्छा कोर्स हो या ख़राब कोर्स हो उससे मतलब नहीं होता, आपका इम्प्लीमेंट आप कैसे करते हो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बट जो जय सर का कोर्स है उसमें वो चीज़ें जो वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं वो आपको हर स्टेप बताते हैं, वो 10 स्टेप चले हैं तो 10 स्टेप आपको बताएंगे कि 10 स्टेप में कहाँ कहाँ आपको क्या क्या करेक्शन करना है, एवरीथिंग आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है तो आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप जैसे सर से बात कर सकते हैं, उनके टीम में सबसे बात कर सकते हैं, सब बहुत हॉनेस्ट हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं आपको, एकदम फैमिली जैसा। आपको ज़रा भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैंने किससे बाई किया है, क्या बाई कर लिया है, सब कुछ भी नहीं। अगर आपको लगता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद द जय सर टीम, इजली आपको हर सॉल्यूशन मिल जाएगा और इतना बेस्ट तरीका, इतना ईजी तरीका है ना, अगर आप इनके कोर्स में अगर आप सक्सेस नहीं कर पा रहे तो आई डोंट थिंक कि आप लाइफ में कुछ और कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी है, उन्होंने एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है, आपको बस वो समझना है, इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, इट विल बी टेक सम टाइम बट श्योर 100% होगा। आप अगर किसी चीज़ को इम्प्रूव करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो 100% आज नहीं कल तो वो आपको दिखेगा, क्योंकि आप पेड़ लगाते हो तो वो इमिजिएटली आपको फल नहीं देता, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो ये चीज़ है, आप दूसरों का स्क्रीन शॉट या मार्केट में बहुत सारी चीज़ें गैम्बलिंग होती है, आप उस पर मत जाओ कि लोग कोर्स आज बाई करते हैं और कल 10 लाख कमा के जाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। सब एक दूसरे का स्क्रीनशॉट है ना, वो शेयर करके आपको आपके साथ गैम्बलिंग करते हैं और कुछ नहीं करते। बेसिकली मेरा पर्पस यही है वीडियो बनाने का। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको हो सकता है आपके माइंड में ये थॉट आ रहा होगा कि ऐसे वीडियो बहुत सारे देखे मैंने यूट्यूब पे, बट ऑनेस्टली जो मैं फील कर रहा हूँ वो आपको मैं बता रहा हूँ, दैट्स इट। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं जैसा सर के साथ में ऑलमोस्ट मैं उनको जानता तो बहुत टाइम से हूँ बट एज ए डिजिटल मार्केट से जानता हूँ, उनको यूट्यूब पे देखा है, बट आज फिजिकल मिला हूँ और वहाँ से लेके यहाँ तक जमीन आसमान का फर्क है।
मैंने बहुत सारे मेंटरशिप से लिया भी है, उनसे बात भी करने की ट्राई किया, बट नहीं, उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पाता। इवन उनकी कोई टीम भी नहीं होती, वो जस्ट कोर्स बेच के चले जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। यही नहीं कि आप डिजिटल मार्केटिंग आप पैसा कमाओगे, आप उनसे है ना ये चीज़ सीख सकते हो कि एक इंसान कैसा होना चाहिए, उसके कैसे इंसान के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। इवन उनका थॉट प्रोसेस इतना अच्छा है ना कि आप उनके साथ अगर 10 मिनट रहोगे ना, तो आपका माइंडसेट जो है ना जिस लेवल का ग्रो होगा ना, कोई ग्रो नहीं कर सकता, कोई मेंटरशिप ग्रो नहीं कर सकता आपको। तो सारी चीज़ें है ना आपको हर एक जगह नहीं मिलती हैं, और जहाँ मिलती हैं वहाँ में भी हम कुछ गैम्बलर की वजह से हम पहुँच नहीं पाते, बहुत सारी चीज़ें होती, बट हमको इन बिटवीन हमको ही अपना रास्ता निकालना पड़ता है। सो मैंने निकाला और मैं बहुत मतलब ब्लेस्ड हूँ कि मुझे जय सर जैसे मिले और उनकी टीम मिली। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू सपोर्टिंग अस एंड स्टे इन टच। थैंक यू। मेरा नाम अमीश पटेल है, मैं राजकोट से हूँ। आज से कम 2-2.5 साल पहले मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ऑनलाइन जो पढ़ा था और वीडियो यूट्यूब में देखा था। जितना मतलब एफिलिएट मार्केटिंग समझने में मुझे आसानी लगी और उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत मुश्किलें थी, और उसमें मतलब सही नहीं जा रहा था कुछ भी। 2-3 लोगों के कोर्स भी किए पर वो सब प्रोफेशनल थे और उसने कुछ ढंग से सिखाया भी नहीं था। तो एक बार मैंने जब जय राजपूत का ये वीडियो देखा तो जय सर के ये वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जेन्युइन पर्सन है। और बाद में उसके बहुत सारे मेरे वीडियो देखे, तो मैं राह देख रहा था कि उसका कोई कोर्स लॉन्च हो या ऐसा कुछ हो। पर एक दिन उसकी मेंटरशिप उसने जाहिरात की, तो मेंटरशिप मैंने तुरंत ले ली। तो उस मेंटरशिप को आज कम से कम 1 साल होने को आया है और मुझे ऑर्गेनिक और पेड एड से बहुत अच्छा खासा सेल आ रहा है और इनकम जनरेट हो रही है। तो आज मैं दमन में जयराज पुष्पी को मिलने आया हूँ, और सर का एकदम डाउन टू अर्थ एटीट्यूड और बिहेवियर है, और मुझे इस मेंटरशिप से बहुत खुशी हुई है कि मैंने ये ज्वाइन करके कुछ गलती नहीं की है। थैंक यू। हेलो गाइस, मैं रवि नागर हूँ। मैं जयपुर से आया था दमन सर से मिलने के लिए। सर ने मीटअप रखा था। यहाँ आने के बाद पता चला कि जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, जय सर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी आज तक। उसके अलावा भी सर जो जितनी हेल्प कर सकते थे ना उतनी हेल्प की है। उनका मेंटरशिप इतना अच्छा है ना कि अगर आप बाहर किसी का भी कोर्स लो तो वो केवल आपको वैसे बताते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा। सर ने प्रैक्टिकली बैठ के सब कुछ समझाया है। सर का वही सबसे अच्छा है। हम मिले हैं तो हमको पहले ऐसे लगा था कि हम 10 मिनट मिल के और सर भेज देंगे कि जाओ आप। उसके बाद हम 2 दिन रुके हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया उनका मेंटोरशिप। उनमें जो भाई हैं जैसे मेहुल भाई, सलमान भाई, भाविन भाई, युवराज भाई, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी मेरी हेल्प की है। जय भाई को मिल के मेरे को ऐसा लगा कि ज़िंदगी में पहला इंसान देखा है मैंने जो पैसे के पीछे नहीं भागता। उन्होंने जो लाइफ का मोटिव होता है ना वो सिखाया। जय भाई का जो सपना है ना कि दूसरों की हेल्प करो, वो हेल्प मैं जब हो जाऊंगा तो मैं भी वहीं करूंगा, मेरा भी वही सपना है। जय भाई बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, सब कुछ अच्छा है उन्होंने। उन्होंने मतलब जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो नहीं होते ना मेरे लाइफ में तो मैं बहुत पीछे रह जाता। ज़िंदगी में सब कुछ करो लेकिन लाइफ में जो एक मेंटोर होता है वो सिखाने के लिए कि आपको चलना कैसा है ज़िंदगी में, आगे बढ़ना कैसा है, वो जय भाई ही सिखाते हैं। लोगों का कोर्स मैंने बहुत लोगों का कोर्स लिया है लेकिन कभी कुछ फ़ायदा मिला ही नहीं। यहाँ जो है ऐसा नहीं है कि आप एक कॉल कर सकते हो, दो कॉल कर सकते हो, नहीं, यहाँ पे जितनी बार हो उतनी बार बातचीत कर सकते हो जय भाई से। मेरा तो पर्सनली कई बार बात हुआ है, इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि जय सर थैंक यू सो मच, उनको प्रणाम करता हूँ मैं, जितना हो सके उतना प्रणाम करता हूँ मैं, थैंक यू। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है, और दूसरी बात मेंटरशिप ज्वाइन करके जैसा मैं पहले था और अब मैं, अगर मैं फ़र्क एक्सप्लेन करूँ ना आपको तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि पहले अपन रुपीज़ में कमाते थे, अब डॉलर्स में है। तो सीन ये रहेगा कि अगर आप भी, अगर कोई भी ज्वाइन करो तो आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज होने वाली है। अगर जैसे आप और कहीं मार्केट में अगर अदर कोर्सेज की बात करें अपन, तो अदर कोर्सेज में सीन ये रहता है कि वो खाली पैसा लेते हैं,
और सिखाने का उनमें बहुत कम है, और यहाँ पे पैसा बहुत कम है, और दूसरी बात सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा है, इतना बहुत ज़्यादा कि आप एक बार ज्वाइन करोगे तो आपको खुद को बिलीव हो जाएगा। और बस थैंक यू। हमारे सर कैसे हो? जय राजपूत जैसे हो। दोस्तों एक दोस्ती भी गाना हो जाए। स्पेशल थैंक यू टू जय राजपूत।